श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माहे त्रैलोकी त्रैगुण। श्री राज्य के हृदय की वक्षस्थल की बाह्य दृष्टि से और अंतर्दृष्टि से हृदय की बात कर रहे हैं और उसमें कहते हैं कि उनके उनसे ही एक छोटी सी बूंद के रूप में ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, इससे हमें ये सारा पता चला, ये समझाना चाह रहे हैं। इन इल्म नुक्ते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों किते। ये नुक्ता इल्म करने का तात्पर्य ज्ञान का, ज्ञान की एक बूंद। तो अक्षराते धामधन के हृदय में तो ऐसे सागर पड़े भरे हुए, एक नहीं अथाह उनमें से एक सागर का भी वो छोट उसका जल की छोटी सी बिंदु तो वो तारतम ज्ञान के रूप में हमें प्राप्त हुई है। तो इसकी रोशनी से इन नहीं कोट ब्रह्मांडों की तो उस वैसा प्रकाश पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, इसमें जितना प्रकाश। सो दिया मुहे स्वप्न दिल में, तो इस स्वप्नवत जगत के दिल में, स्वप्नवत जगत में जो स्वप्नवत शरीर धारण किया है तो उसके दिल में ये ज्ञान दिया है, ये प्रकाश उस दिल को प्रकाशित कर दिया उस ज्ञान से। जो नई नूर अक्षर जागृत है, तो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी वो ज्ञान नहीं दिया, वो मुझे स्वप्न अवस्था में ये ज्ञान दिया, ये कहना चाह रहे। तो इससे हृदय आलोकित हुआ तो ये सारा पता चलने लगा। खाक पानी आग वाये को ये 14 तब कहे जे, मिट्टी जल अग्नि वायु ये सब तत्व हैं, ये तो 14 लोक के हैं। सो मेरे दिल कायम किए बरकत अनुक्ते इल्म के, वैसे ये तो सारे नाश होने वाले हैं किंतु इनके माध्यम से जो लीलाएं हुई है वो अखंड कर दिया है। तो इन सब को मेरे दिल में कायम कर दिया, अखंड कर दिया बरकत नुक्ते इल्म के, ये एक बूंद के समान इस ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान है, उसके सामने हमें जो मिला है वो तो बूंद की तरह से है। इतने ने, इतनी एक बूंद ने इतना कुछ कर दिया। एक बूंद आया का दिल से तेना कायम किए थे रचर, अक्षराति धामधनी के हृदय से एक बूंद यहाँ दुनिया में आई तो उसने चर अचर सब को कायम कर दिया, अखंड कर दिया। कहने का तात्पर्य सारी लीलाएं ये अखंड अखंड लीला है, ये लीला अखंड होगी। इन बूंद की सिफत देखियो ऐसे आका दिल में कई सागर, इस एक बूंद की महिमा देख लो। ऐसे बूंदों बूंद मिल मिल करके तो काफी कुछ होता है, ऐसे तो कई सागर अक्षराते धामधनी के हृदय में लहराते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कितने महान है ये बात समझाना चाह रहे हैं। उनके हृदय में ऐसे तो सागर हैं, तो उनका हृदय कितना बड़ा है, हृदय का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए एक बूंद ने बक्का किए तो होशे सागरों का ऐसा बल, एक बूंद ने भी इस नाबूद का तात्पर्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं है उसको भी अखंड कर दिया। तो एक बूंद ने पूरी दुनिया को अखंड कर दिया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय में वैसे तो सागर हैं, तो उनमें कितना सामर्थ्य होगा।
तो काहू न पाई तरफ किने कई चौदे तबक गए चल। इसलिए किसी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि वो समझ से बाहर है। तो किसी ने बोल दिया निराकार है, किसी ने कुछ, इस तरह से सब अनुमान लगाते रहे, ऐसा हुआ। ऐसे कई सुख कहड़े मिने, ऐसे अनंत सुख, अनेक सुख अक्षराते धामधन के हृदय में है। सो ए जुवा कहे क्यों करे, ये जुवा कैसे बता पाएगी। हाइडे बल तो नेक कहया, जो इत बुध आई उतर, उनके हृदय के सामर्थ्य में को थोड़ा सा इसलिए कहा गया कि उसमें से एक बूंद यहाँ पर आई ना, बाकी तो और तो कितनी चीजें हैं जिनका बताया नहीं जा सकता, उनमें से एक बूंद आई तो उससे उसके कारण इतना कुछ बताया जा सका। कोट ब्रह्मांड का कहना क्या, झूठी जीमी पानी आगवाए। करोड़ों ब्रह्मांड की बात करें तो उसका नाम लें, फिर भी ये तो है क्या चीज, ये सारा ब्रह्मांड वो पांच तत्वों से ही तो बनता है, तो ये सब झूठे हैं। ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इनसे ही तो बनता है। ये चौदह तबक जो मूर्द है नुकते इले में दिए जीवाए, तो ये चौदह लोक जिनसे भी बनते हैं, तो ये पांचों तत्व ये सब नाशवान है। मुर्दा कहने का तात्पर्य ये सब नाशवान है और इनको ये मिटने वाले हैं, किंतु इस तारतम ज्ञान ने इनको भी क्या कर दिया, जीवित कर दिया। कहने का तात्पर्य पदार्थ तो कोई अखंड होते नहीं है, किंतु लीला अखंड होती है, तो वो पदार्थ भी ना वैसे के वैसे दिखते हैं। क्यों कही है शोभा कि ना कछु झूठे में आए हम, अक्षराते धामधनी की शोभा की बात क्या करें, हम तो वैसे इस झूठे में आए भी तो नहीं है। लेह जे हुकुमे झूठे वैराट को साँचे किए नुकते इलम, तो ये लहजे ऐसा कह रहे हैं, तो ये लिहाजा बोलते हैं उसमें ना, वो उर्दू में वो फारसी का शब्द है, लिहाजा कहते हैं कभी, इसलिए इस अर्थ में भी होता है, सचमुच इस अर्थ में भी होता है, ऐसे कई उसमें कई अर्थ में ये उसमें लिहाजा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सचमुच हुक्म झूठे वैराट को अक्षराते धामधनी के आदेश नहीं, इस झूठे ब्रह्मांड को भी उसके आदेश से बने हुए इस झूठे ब्रह्मांड को साचे किए नुक्ते इलम, इस ज्ञान ने सच्चा बना दिया, बाकी तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, वो तो एक बूंद की तरह से अक्षराते धामधनी के हृदय में तो ऐसे अनंत सागर है। कहीं न जाए झूठ में हकहेड़े की सिफत, तो अक्षराते धामधनी के हृदय की महिमा गाई नहीं जा सकती है, क्योंकि ये झूठी जीमी है। हक शोभा छल में तो होए जो साँच जरा होए इत, अक्षराते धामधनी की शोभा इस छलवती माया में तभी बताई जा सकती है ना, उसका कहीं कुछ अंश तो यहाँ पर हो, तो कुछ भी नहीं है, बस वो एक बूंद के समान ज्ञान आया तो उसी से इतना कुछ बता दिया गया है। तो कया वेद कतेब में ए ब्रह्मानंद नहीं रंजक, इसीलिए वेद कतेब में ये कहा ये ब्रह्मांड टिकने वाला नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये लेस मात्र एक कण की तरह से भी नहीं है। तो क्यों कही आगे इनके ये जो सिफत दिल का, तो इस ब्रह्मांड जब पूरा ब्रह्मांड भी एक धूल के कण के समान नहीं है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के सामने अक्षरातीत के हृदय की बात किस तरह से बताई जा सकती है। इसलिए दुनिया में परब्रह्म परमात्मा के विषय में किसी ने कुछ कहा नहीं, उसका कारण ये है, ये कह रहे हैं। कहूँ सुंदर शोभा शलू की कहूँ केते गुण उपले, फिर भी हम कहें कि बहुत सुंदर है, इसकी बड़ी सुंदर शोभा है, इस तरह से कहें तो भी ये तो बाहर के गुण है ना, तो यह पर हृदय की बात कर रहे हैं, तो अक्षराते धामधनी का वक्षस्थल उनका हृदय इतना सुंदर है कहें
तो ये तो बाह्य बात होगी। इस सुखन आवे सब में ये जो गिरो देखाता है जे, तो परमात्माओं को जो कुछ दिखाई देता है उस सुख का वर्णन तो यहाँ पर कुछ किया ही नहीं जा सकता है। परमात्माएं जो अनुभव करती है वो बहुत ज़्यादा है। हक छाती सलु की सुन के रुआ छाती ना लगे घाय, अक्षराति धामधन के वक्षस्थल की सुंदरता शोभा को बताते हुए यदि आत्मा के हृदय में चोट न पहुंचती हो, उस पर असर नहीं होता हो, तो धिक धिक पड़ो तिन अकले, हाय हाय वो नहीं अरसारवा। कहते हैं उसके अकल का धिक्कार है, यथार्थ में वो ब्रह्मात्मा है ही नहीं, परमधाम की आत्मा ही नहीं है। हक छाती नरम कोवल रूह सदा रहे सूर धीर, अक्षराते धामधनी का वक्षस्थल है, बड़ा कोमल है। नरम का अर्थ भी वही है, नरम बाहर से देखने में और कोमल कहने से वो उस अंदर का भी हृदय, कोमल कहने से केवल स्पर्श से ही पता नहीं चलेगा, तो वो तो उसकी कोमलता है उनके भाव से पता चलता है, उनके कार्य से। और वो सदा रहे सूरधीर, तो ब्रह्मात्मा तो उसको समझने के लिए हमेशा सूरधीर रही है। पाँव बिछुरे पीऊ प्रदेश में, हाय हाय सुरही न कछु तासिर, पाए बिछुरे पीऊ प्रदेश में, तो इस प्रदेश में मतलब माया को देखते हुए अक्षराते धामधनी के चरणों को ही ब्रह्मात्मा भूल गई, उस हृदय को ही भूल गई, सब कुछ भूल गई है। हाय हाय सो रही न कछु तासिर, तो ब्रह्मात्माओं को परमधाम का जैसा कोई भाव रहा ही नहीं। तासिर का अर्थ वैसे स्वभाव होता है देखा जाए तो इसका इसकी तासिर वो बोल देते हैं, तो उसका ये भी और दूसरे शब्दों में कहें तो असर होना तो वो भी हो सकता है। तो इसलिए हाय हाय सो रही न कछु तासिर कहने का तात्पर्य कोई ब्रह्मात्मा परमधाम की है, अखंड है, उसका कोई असर या दिख ही नहीं रहा है, वो तो दुनिया को देख रहे सब कुछ भूल करके बैठी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छाती मेरे का समय की देखी जोर सलो का, तो अक्षराते धामधनी के सुंदर वक्षस्थल को देख करके न्यारे होते निमख में, हाय हाय जीवराना होता टूक टूक। तो ब्रह्मात्मा तो एक क्षण में इस जगत से अलग होनी चाहिए, माया से उसको छुटकारा मिल जाना चाहिए, फिर भी ये जीव है तो माया को छोड़ करके ये टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है, कहने का तात्पर्य ये विदीर्ण नहीं हो रहा है, इसको मैं छोड़ ही दूँ ऐसा इसको क्यों नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे। छाती मेरे मासुक की चुभी मेरी छाती माहे, अक्षराते धामधनी का हृदय अथवा उनके वक्षस्थल की शोभा मेरे हृदय में अंकित हो गई। जो रुआ अर्ष अजिम की तीन से छूटत नाहे, जो परमधाम की आत्मा होंगी उनको तो ये स्वरूप उनसे तो छूटने वाला ही नहीं है। बिछुरे पाए परदेश में देखी पीऊ अंग छाती, अक्षराते धामधनी के वक्षस्थल के दर्शन करके भी कोई आत्मा इस माया के देश में अक्षराते धामधनी से वियुक्त होती है, उनको याद नहीं करते भूल जाती है, तो अब पलक पड़े जो बिछुआ हाय हाय उड़े ना करे आपघाती। अब पलक पड़े जो बिछो, अब तो वो भी योग वो एक पल के लिए भी पलक पड़े ना इतने देर का भी वो भी योग अवसान नहीं होगा, आँख बंद होकर के खोलने में तो कितना समय लगेगा, इतनी देर भी वो व्यवधान सहा नहीं जा सकता। हाय हाय उड़े ना करे आपघाती, तो अब आत्मा शरीर को छोड़ करके क्यों नहीं निकलती है, तो वो तो फिर वो ये बड़े उसके खेद की बात है कि अभी भी आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है,
ये कहने का तात्पर्य, इस शरीर को छोड़ा नहीं है, नहीं तो शरीर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। माशुक छाती रुह से ना छूट ही अति मीठी रंग भरी रस। वैसे देखा जाए तो अक्षरार्थ दामनानी के हृदय को ब्रह्मात्मा छोड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि तो उसमें तो बड़ा मिठास है, प्रेम भरा हुआ है, उसको कैसे भूल सकती है। एक क्यों न छोड़े मोमिन जो हो अरवा अरस। तो जो परमधाम की आत्मा होगी तो वो तो इस चीज को कैसे छोड़ सकती है। एम अंग मेरे माशुक के मीठे अति मुतलक। ये तो हृदय एक अंग है, तो ऐसे अंग बहुत से अंग है, ये सब अक्षराते धामधनी के अंग है। मीठे अति मुतलक है तो निश्चित रूप से बड़े मधुर हैं। ए लज्जत असल याद कर एले अरवा आशक। ए लज्जत ये स्वाद, ये असली परमधाम के स्वाद को ग्रहण करके एले अरवा आशक, ये आशिक आत्मा ब्रह्मात्मा वो इस बात को ग्रहण कर सकती है। तो इतना उनका मधुर, इतना मीठा, मतलब हर प्रकार से वो अच्छा लगे ऐसा है, तो उसको वही आत्मा ग्रहण कर सकती है। तो इन सब स्वाद को, हम तो ऐसे थे, ऐसे अक्षर आते धामधनी हम पर कृपा करते हैं, ये सब याद करते हुए फिर वो उस बात को ब्रह्मात्मा माया में भी वही का वही ऐसे का ऐसे अनुभव कर सकती है। मुख न फेरे मोमिन छाती न शुभान। तो ब्रह्मात्मा अक्षराते धामधनी के इस हृदय से कभी भी विमुख नहीं हो सकती, मुख नहीं फेरना, विमुख होना। ये याद करते अनुभव क्यों न आवे असल ईमान। ये सब बातें याद करते हुए तो ब्रह्मात्माओं को असली विश्वास क्यों नहीं होता। तो माया का इतना प्रभाव है कि ये सब सुनते हुए भी एक बार लगता है कि हाँ सही है, फिर भूल जाते हैं, ऐसा है। इसलिए असली ईमान क्यों नहीं आ रहा है। मासों का छाती निरखते क्यों याद न आवे अरस। अक्षराते धामधनी के हृदय की ये शोभा, वक्षस्थल की शोभा याद करते हुए परमधाम क्यों याद नहीं आ रहा है। विचार किए आवे अनुभव जाको दिल कहो अरस परस। विचार करेंगे तो ही अनुभव होगा ना, क्योंकि उसके लिए तो अरस परस कहा है। हम अक्षराते धामधनी को अपने हृदय में बैठाएं तो फिर हम उनके हृदय को समझ पाएंगे ना, तो वो अरस परस कहा है, हम बैठाएंगे नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। हक एक अरस कया दिल मोमिना अरस में मता सब हक। अक्षराते धामधनी ने स्वयं ही ब्रह्मात्माओं के हृदय को परमधाम कहा है। परमधाम में तो सब प्रकार की सामग्री होती है, सब सत्य है। अजूहा का आड़े पट रहे ये देखिया बड़ा तहजुबा। फिर भी अभी तक अक्षराते धामधनी और ब्रह्मात्माओं के बीच में माया का आवरण है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। वो देख रहे हैं पट यही अपने दिल को हके सोई दिल कर अरस कया। ऐसे धाम, ऐसे हृदय में आवरण पड़ा हुआ है कि जिसको अक्षराते धामधनी ने तो परमधाम कहा है। हक पट अरस सब दिल में अब अंतर कहाँ रहा। अब दिल में अक्षराते धामधनी भी है और एक दूसरे तरफ अब ये आवरण भी है, तो ये कैसे रह सकता है। अब तो कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए अक्षराते धामधनी के बीच में। जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर। विचार करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो अक्षराते धामधनी के हृदय में, हृदय और ब्रह्मात्माओं के हृदय में फर्क नहीं है। ब्रह्मात्माओं का हृदय भी उनका ही अंश है। ए पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। जब अक्षराते धामधनी ने ही आवरण को हटाने के लिए हुक्म कर दिया, आदेश दे दिया, तो अब ये आवरण टिकने वाला नहीं है।
अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हुक्मे बांधी कमर जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर ए पटाड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर जब हुक्मे बांधी कमर